हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे फॉर ऑल एग्जाम्स के रीजनिंग सेशन में, जहां पे करने वाले हैं आज हम फिर से कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन, जिससे आपकी तैयारी और इन्हांस होगी, आप और एफिशिएंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड ऑफकोर्स यस, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठाना शुरू किया है, तो आज की अगर हम बात करें, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोडिंग डिकोडिंग। और ये मेमोरी बेस इसीलिए है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को या उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को हमने आज के सेशन में इंक्लूड किया है। तो चलो फटाफट तैयार हो जाओ आज के सेशन को शुरू करने के लिए, आज के सेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की जब बात आती है तो ऑब्वियसली दिमाग में कई सारी हलचल हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल होने लगती हैं कि प्लेस वैल्यूज होंगी, ऑपोजिट्स होंगे, क्रॉस में रिलेशन होगा, स्ट्रेट में रिलेशन होगा, पर क्या होगा। बट येस, एज यू ऑल नो कि हर क्लास की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत, क्योंकि सुबह 5:30 बजे का सेशन है, तो एक गुड थॉट से, एक पॉजिटिविटी से, एक मोटिवेशन से होना तो बनता है। तो अगर हम आज के गुड थॉट की बात करें, आज के पॉजिटिविटी की बात करें, तो सीधा सीधा सा बहुत कम शब्दों का थॉट फॉर द डे है आज, कि देयर इज नेवर एन एंड, देयर इज नेवर एन एंड। अब इस सेंटेंस के आगे भी तो कुछ खत्म नहीं होगा ना, देखो मतलब सीधा है कि कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता, हमेशा एक फुल स्टॉप होता है अगर, या कॉमा लगा हुआ होता है तो वो एक इंटरवल होता है। क्योंकि आप खुद भी समझो कि अगर एक लाइन के बाद फुल स्टॉप लगा है तो वो सिर्फ उस लाइन का एंड है, पर आगे उसके पैराग्राफ हो सकता है, और भी लाइंस हो सकती हैं, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ही तो हमारी लाइफ है, अगर हमने कहीं पे किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया तो ये मत समझो कि वो ख़त्म है, बल्कि वो अगले चीज़ की शुरुआत के रूप में उसका रोल प्ले करेगी। क्लास का भी वही मोड है, मान लो क्लास ख़त्म हो गई हमारी, तो ऑब्वियसली वो क्लास ख़त्म नहीं हुई है, पर वो अगले सेशन को शुरू होने के लिए अपने आप को फुल स्टॉप पे लगा रही है। तो कभी भी किसी चीज़ का एंड नहीं होता, एंड होता तो हमारी लाइफ इतनी आसान हो जाती, इतनी सरल हो जाती, जितनी कि अभी हम लोग इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा हो जाता है ना। तो इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी चीज़ का एंड नहीं होता है, और इसी बात को ध्यान में रख के आपको आपकी प्रिपरेशन का भी एंड नहीं करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग भुलावे में आ जाते हैं कि हमारा मैथ्स प्रिपेयर हो गया, हमारा हिस्ट्री प्रिपेयर हो गया, हमारा जीके प्रिपेयर हो गया, हमारा रीजनिंग प्रिपेयर हो गया, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है ना, तब वहीं पे जाके थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर दिमाग में क्लिक ही नहीं करता, ये लगता है अरे यार ये बनता तो था, ये आता तो था, तो ये होता तो था। तो इसीलिए हमेशा अपने ट्राइज, अपने कोशिश, अपने एफर्ट्स को ऑनगोइंग रखो, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ का अंत होना नहीं होता, ठीक है। तो चलो इसी थॉट के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। एंड ऑफकोर्स यस, सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो ये है कि बाकी की क्लास की डिटेलिंग, लेकिन उससे पहले मोरोवर आपको हमारी प्रोफाइल को अन अकेडमी पर फॉलो करना है। फॉलो करने के बेनिफिट्स कि आपको आने वाले प्लस कोर्सेज के बारे में, स्पेशल क्लासेस के नोटिफिकेशंस के बारे में अपडेट्स मैसेजेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू मिलते रहेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे हमारी क्लासेस से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे, हम किस क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ये भी आपको अपडेट हो जाएगा इफ़ यू हैव फॉलोड माई प्रोफाइल। अब फ्री स्पेशल क्लासेस, ऐसे तो ये स्पेशल क्लासेस हैं, कभी कभी होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यस, हमने इन क्लासेस को मंडे से लेके संडे तक रेगुलर बेसिस पे 1 आवर ईच के हिसाब से स्केड्यूल किया हुआ है, जिसमें सुबह 7:30 से 8:30 हम बैंक टारगेट करते हैं, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम SSC टारगेट करते हैं। दैट मीन्स बैंक की भी तैयारी और आपके SSC की भी तैयारी, तो साइड बाय साइड कॉन्सेप्चुअली, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज सब कुछ चलता रहता है इन क्लासेस में। अब अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हो और अनअकैडमी का ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है आपके पास, तो प्लस कोर्स आप परचेज कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। अटेंड करने के लिए टाइमिंग जो है वो है 12 बजे से 1 बजे तक। ये बैच हमारा 19th of August से शुरू हुआ है, 4th of October को ख़त्म होगा। काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन काफ़ी सारी क्लासेस अभी भी बची हैं, सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दीज क्लासेस। दिन में लगातार तो नहीं, लेकिन यस, 3 घंटे की क्लास आपको अनअकैडमी पे रीजनिंग की हमसे मिलती है, तो उस 3 घंटे में से अगर आपने 2 घंटे भी अटेंड कर लिए तो मोर देन इनफ है। अब नॉन सब्सक्राइबर्स चिंता ना करें, प्लस कोर्स तो सब्सक्राइबर्स के लिए है, नॉन सब्सक्राइबर्स हमारे फ्री स्पेशल क्लासेस में आराम से रेगुलर बेसिस पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं भी कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे जाके जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, बस
और दूसरा हमारी प्रोफाइल फॉलो करना पड़ेगा। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो इस SMS10 कोड को यूज़ करेंगे ताकि 10% डिस्काउंट तो उनको मिले ही मिले, बट साइड बाय साइड सारे एजुकेटर्स भी उनके लिए अवेलेबल हो जाएं। दैट मीन्स फिर आप एक बाउंडेड नहीं रहो कि नहीं आपने तो मैम के कोड से लिया है तो मैम का ही सिलेबस होगा। नहीं, आपको मैथ्स भी मिलेगा, GS भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, वेरास आपको किसी और का रीजनिंग भी मिल जाएगा, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन का नाम ही ऑल एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन है, राइट? कैसे करना है तो एक बार उसका प्रोसेस देख लो। सो यस, यू ऑल नो इट वेरी वेल, हमारी प्रोफाइल फॉलो करना, प्लस कोर्स पे क्लिक करना। क्लिक करते ही गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करते ही एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ एक पेज ओपन हो जाएगा, आपको सामने यहाँ पे हमने दो पेजेस रखे, ड्यूरेशन दिखेगी उसमें। तो हमने हाईलाइट किया है 6 months और 12 months कि नॉमिनली यार 6 month का आप देख सकते हो, लेकिन मोस्ट पॉपुलर 12 months का है। रीजन, क्योंकि एक साल के अंदर आपकी वैकेंसीज, एग्जाम, सिलेक्शन, रिजल्ट सबका सफर तय हो जाता है, ठीक है? कॉस्ट प्राइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 4800 इसका है, 6000 इसका है। लेकिन जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे SMS10, ये 4800 हो जाएगा 4320 और ये 6000 हो जाएगा आपका 5400। तो लाइकवाइज आप समझ सकते हो कि कितने आसानी से जेन्युइनली रीजनेबल रेट पे आप ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें कि आने वाले जितने भी प्लस कोर्स होंगे वो सब आपको मिलेंगे। कुछ के लिए भी आगे फिर कभी कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? हर सब्जेक्ट का आप अटेंड कर पाओगे इस अमाउंट, राइट? तो चलो अब आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा हमने कहा कि कोडिंग डिकोडिंग, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं बेसिस पे आज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे। तो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ सैपलिंग इज कोडेड एज UKZNMRI, सो हाउ विल ग्लेशियर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? यदि सैपलिंग को UKZNMRI के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो ग्लेशियर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? अब सिंपल सा फंडा है, लेटर्स ही हैं। तो लेटर्स को चेक करने के लिए हम पहले तो सैपलिंग को लिख लेंगे, उसके बाद फिर उसका कोड लिख लेंगे, दैट इज UKZNMRI। और अब ध्यान करेंगे कि इसमें हमें ऑपोजिट लेटर्स और प्लेस वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो सैपलिंग का क्या हो रहा है। सैपलिंग में पेन का कलर चेंज करें, यस। एस की प्लेस वैल्यू 19, ए की प्लेस वैल्यू 1, पी की प्लेस वैल्यू 16, एल की प्लेस वैल्यू 2, आई का 9, एन का 14, जी का 7, यू का 21, के का 11, जेड का 26, एन का 14, एम का 13, आर का 18, आई का 9। अब समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ? 19 से 21 माइनस 2 हो रहा है, 7 से 9 प्लस 2 हो रहा है, यस। अब बीच में अगर देखो तो ए का जेड, पी का के, एल का यहां पे प्लस 2 हो रहा है, आई का आर, एन का एम अगेन, तो ये बीच में ऑपोजिट्स हैं और बाकी माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है यहां पे। माय मिस्टेक, दिस इज आल्सो प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2 होता है ना कि माइनस 2। तो यस, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और बीच में आपके सारे ऑपोजिट्स, बात समझ आई? तो अब जब हमको फाइंड आउट करना है किसका, ग्लेशियर का, तो ग्लेशियर का भी इस तरीके से करोगे, यस। सो ग्लेशियर की अगर हम बात करें, GLACIER, अब ग्लेशियर में क्या होगा, सबसे पहले तो यहां प्लस 2 कर दो, तो ये है 7, ये है 12, ये 1, ये 3, ये 9, ये 5, ये 18। तो G में प्लस 2 किया, 9 होता है, 9 मतलब हो गया हमारा क्या, आई। R में प्लस 2 कर दो तो ये 20 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो गया T। अब दो छोड़ के C में भी प्लस 2 कर दो, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा E। तो ये 9, 5, 20 इतना तो हो गया। अब बाकी क्रॉस में ऑपोजिट्स हैं, तो L का O, A का Z, E का V, I का R, दैट मीन्स कोड क्या हो गया हमारा, कोड हो गया यहाँ पे एज इट इज सीधा सीधा IZO EV RT, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बात समझ आए? सिंपल क्वेश्चन, यस। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इफ फ्रेंड इज कोडेड एज ETKDPF, सो हाउ विल रिवील बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? यदि फ्रेंड को ETKDPF के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो रिवील को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? अब किसका स्टडी करना है हमें, फ्रेंड का,
एफ आर आई ई एन डी, कोड क्या दिया हुआ है, ई टी के डी पी एफ। समझ में आया क्या हुआ? यस, प्लेस वैल्यू 6, 18, 9, 5, 14, 4। यहाँ देखो तो जरा 5, 20, 11, 4, 16, 6। अब अगर हम एक चीज देखें तो पहले प्लस वन हो रहा है, लास्ट में प्लस टू हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो बीच में भी प्लस टू हो रहा है, लेकिन फिर माइनस वन भी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बस सिंपल सा फंडा है, आप आराम से एक चीज ये देखो कि किस तरीके से रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। अगर हम एफ से ई देखें माइनस वन, आर से टी प्लस टू, आई से के प्लस टू, ई से फोर माइनस वन, एन से पी प्लस टू, फोर से सिक्स प्लस टू। दैट मीन्स माइनस वन प्लस टू का पैटर्न है, माइनस वन प्लस टू फिर माइनस वन प्लस टू। तो उस हिसाब से अगर रिवील का निकालना है, आर ई वी ई ए एल, तो माइनस वन करेंगे यहाँ पे तो क्यू आ जाएगा। अब ई में क्या करेंगे, प्लस टू तो जी आ जाएगा। वी में भी क्या करेंगे, प्लस टू तो डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। अब ई में फिर से करेंगे माइनस वन तो डी आ जाएगा। ए में प्लस टू करेंगे तो सी आ जाएगा, एल में प्लस टू करेंगे तो एन आ जाएगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा क्यू जी एक्स डी सी एन। एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या है देखो, नोट का कोड दिया हुआ है एम एल जी वी। क्वेश्चन क्या है, इफ नोट इज कोडेड एज एम एल जी वी सो हाउ विल रोड बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि नोट को एम एल जी वी के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो रोड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। सो तरीका फिर से वही, एन ओ टी ई एम एल जी वी। तो लिखते लिखते ही समझ गए? यस, लिखते लिखते समझ में आ गया। तो देखो, एन का एम, ओ का एल, टी का जी, ई का वी, ऑल आर ऑपोजिट लेटर्स। तो जब ऑपोजिट लेटर्स हैं तो रोड की अगर हम बात करेंगे तो आर का आई, ओ का एल, ए का जेड, डी का डब्ल्यू, आई एल जेड डब्ल्यू विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, आई एल जेड डब्ल्यू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। बात समझ गए? पक्का? सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और पूछे गए हैं बेसिकली, इसीलिए इन क्वेश्चंस को हम मेमोरी बेस भी मानते हैं। बट यस, मेमोरी बेस फ्रॉम द टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। अब देखो क्या है, इफ एडवेंचर इज कोडेड एज बी एफ वाई आई एस जेड बी जेड एन सो हाउ विल कंट्री बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि एडवेंचर को बी एफ वाई आई एस जेड बी जेड एन के रूप में कूटबद्ध किया गया तो कंट्री को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। वेरी सिंपल, करेंगे फिर से वही हम, एडवेंचर बी एफ वाई आई एस जेड बी जेड एन। अब क्या करें, प्लेस वैल्यूज, ऑब्वियस सी बात है, प्लेस वैल्यू के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो दो ऑप्शन है, या तो प्लेस वैल्यू या तो ऑपोजिट। तो अब अगर हम यहाँ देखें, ये है वन, ये है फोर, ये है 22, ये है 5, 14, 20, 21, 18, 5। यहाँ देखो तो 2, 6, 25, 9, 19, 26, 2, 26, 14। मिस एंड मैच, ऑफकोर्स मिस एंड मैच। लेकिन अगर हम शुरू से शुरू करें, ए से बी प्लस वन, फोर से सिक्स प्लस टू, 22 से 25 प्लस 3, 5 से 9 प्लस 4, 14 से 19 प्लस 5, 20 से 26 प्लस 6, अब 21 से 2, तो 21 से 2 देखो यार, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, कितना हो गया ये, 7 हो गया ना प्लस, तो यहाँ पे प्लस 7 हो गया। सेम कंडीशन देखो 18 से 26, तो 18 से 26 जाना है तो कितना हो रहा है, 8 जुड़ रहा है, और 5 से 14 जाने के लिए कितना जुड़ रहा है हमारा, 9 जुड़ रहा है। तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, एक ऑनगोइंग सीक्वेंस। तो वही चीज़ जब हमें कंट्री में करनी पड़े,
तो अब प्लेस वैल्यू लिखने की जगह डायरेक्टली करें, यही वाला सीक्वेंस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते जाएंगे, जितने लेटर्स हैं उतना ही करेंगे बस। सी में प्लस वन किया तो डी हो गया, ओ में प्लस टू किया तो कितना हो गया ओ पी क्यू, यू में प्लस थ्री किया तो वी डब्ल्यू एक्स, एन में प्लस फोर आर हो जाएगा, टी में प्लस फाइव वाई हो जाएगा, फिर आर में प्लस सिक्स, तो आर कितना होता है हमारा 18 में 6 जोड़ोगे तो कितना होता है 24 का मतलब एक्स हो गया, और y में कितना जोड़ना है हमें 7 जोड़ना है, दैट मीन्स y z तो 2 यहाँ हो गया 5 उधर चला जाएगा, सो ऑफकोर्स कितना आंसर आ जाएगा हमारा, तो आंसर हो गया क्लियरली ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो वैसे हमने पूरा निकाल लिया, पूरा नहीं भी अगर आप निकालते तो आप सिर्फ पहले दो से भी निकाल सकते थे, क्योंकि यहीं पे हमारे पास डी क्यू दिया हुआ है और कहीं पे भी डी क्यू नहीं दिया हुआ है, तो वैसे तो पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी निकाल लिया तो समझ में क्लियरली आ गया। ठीक है, लेट सी द नेक्स्ट वन। नाउ व्हाट, केयरिंग इज कोडेड एज ई डी वी जी के सी, शेयर्स इज कोडेड एज यू के ई पी वी ओ, तो कास्केट का कोड क्या हो? अब दिमाग में तो देखो यार यही आता है कि आपको कैरिंग का कोड दिया है, शेयर्स का कोड दिया है, तो इसी में से पिक करके, लेकिन पिक करते समय ध्यान रखना कास्केट में टी है और के है, जो ना कैरिंग में है ना शेयर्स में, तो हम यहाँ निकाल ही नहीं पाएंगे कॉमनली उठा के, हमें पैटर्न ही देखना पड़ेगा जिसमें हम कैरिंग का कोड देख रहे हैं ई डी वी जी के सी और शेयर्स का कोड देख रहे हैं UKEPBO, तो कास्केट का इसी पैटर्न पे फॉलो करके निकालना है। सो यस अगेन मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, प्लेस वैल्यूज, सी का 3, ए का 1, आर का 18, आई का 9, एन का 14, जी का 7, ये हो गया 5 4 22 7 11 3, समझे क्या हुआ है? यहाँ पे यहाँ भी वही चीज़ है, 19 21 8 11 1 5 18 16 5 2 19 15, 3 से लेके 5 तक प्लस 2, 1 से लेके 4 तक प्लस 3, 18 से 22 तक प्लस 4, अब 9 से 7 माइनस 2, 14 से 11 माइनस 3, 7 से 3 माइनस 4, दैट मीन्स पैटर्न समझे, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, वही चीज आगे यहाँ पे भी हो रही थी। देखो शेयर्स में 19 का ये तो हो गया प्लस 2, 8 से 11 प्लस 3, ए से 5 प्लस 4, यहाँ हो गया माइनस 2, ये हो गया आपका माइनस 3, ये हो गया माइनस 4। तो अब इसी को अगर हम कास्केट में अप्लाई करेंगे तो सी में प्लस 2 ई, ए में प्लस 3 बी सी डी, एस में प्लस 4 तो कितना हो जाएगा हमारा 19 और 4 23, 23 मतलब हो गया डब्लू। अब ई डी डब्ल्यू तो आपको सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस 2 करो, K में जब माइनस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आई, E में माइनस 3 करोगे तो 5 माइनस 3 होता है कितना 2, तो आ जाएगा यहाँ B, और T में अगर हम यहाँ माइनस 4 करेंगे दैट मीन्स 16, तो 16 का मतलब हो गया P। सिंपल, इनकी प्लेस वैल्यूज पे माइनस करो ना, लेटर टू लेटर काउंट करते बैठोगे तो बहुत टाइम भी लगेगा और कई बार कन्फ्यूज भी हो जाओगे कि आगे पीछे करके, तो इसीलिए प्लेस वैल्यूज निकाल लो माइनस करके, आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा, दैट इज ई डी डब्ल्यू आई बी IBP, करेक्ट। चलो लेट सी द अगला वाला। अब क्या है, इफ मैच इज कोडेड एज NCWGM, सो हाउ विल MMQAWIHCB कोडेड इन दैट लैंग्वेज, यदि मैच को NCWGM के रूप में कोडबद्ध किया गया तो MMQAWIHC को कैसे कोड किया जाएगा? इंटरेस्टिंग मैच, देखो MATCH NCWGM, सो अगेन प्लेस वैल्यूज का ही हेर फेर है यहाँ, 13 14 1 3 20 23 3 7 8 13, बात समझे? यस, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो वही हम किस में करेंगे, MMQ A W I H C, तो अब M में प्लस 1 किया तो कितना होगा N, M में प्लस 2 किया तो O, Q
क्यू में प्लस थ्री करेंगे तब कितना हो जाएगा क्यू के बाद आर एस टी, ए में प्लस फोर करेंगे तो बी सी डी ई, डब्ल्यू में प्लस फाइव करेंगे तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी, आई में प्लस सिक्स तो नाइन प्लस सिक्स मतलब हो गया फिफ्टीन, तो ये हो गया एच प्लस सेवन, एट प्लस सेवन फिफ्टीन अगेन तो ओ हो गया, और थ्री प्लस एट तो थ्री प्लस एट होता है इलेवन, दैट मीन्स के हो गया। सो नोटबुक दैट इज ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब ऐसा नहीं है कि ये हमारा छोटा वर्ड था तो इतने बड़े का कैसे कोड निकलेंगे यार, बढ़ते ऑर्डर में ही था ना, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, अगर ये प्लस टेन तक भी जाता तो भी हम करते। ठीक, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब क्या है, इफ रीडर इज कोडेड एज आर ई डी ए ई आर सो हाउ विल प्राइमर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। रीडर का कोड दिया हुआ है आर ई ए डी ई आर, रीडर का कोड दिया है आर ई डी ए ई आर, तो प्राइमर का कोड निकालना है, राइट। अब देखें यहां पे क्या हुआ, रीडर वही सारे के सारे लेटर्स हैं और कुछ भी नहीं, डी यहां ए यहां ई यहां ई यहां आर यहां आर यहां, या तो ये कहें आर आर ई ई और ये बाकी क्रॉस हो गया। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो पी पी आर आर ये हो गया आपका एम आई ई आर, तो पी आर एम आई ई आर कोड हो रहा है क्या इसका, यस और नो? नो, इतना आसान थोड़ी होता है। यहां तो आपके ये लेटर्स सेम थे इसीलिए ये दिमाग में ये चीज आई, हमें पता है ये आती है, पर जो हमने क्रॉस वाला पैटर्न बताया था दैट वाज एक्चुअली द राइट वन। ठीक है, कैसे समझो, आर ई ए डी ई आर, तब क्या हुआ डी इधर आ गया ई इधर आ गया ए सॉरी पहले चला गया, देखो फिर से आर ई ए डी ई आर, पहले हम इसका कोड ही लिख लें आर ई डी ए ई आर, तो ये डी ये ई और ये, मतलब लास्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड लास्ट वाला सेकंड में, थर्ड लास्ट वाला थर्ड में, तो ये हो गया आपका फोर्थ लास्ट, ये हो गया ये ऐसे और ये हो गया ऐसे। तब उस हिसाब से अगर हम प्राइमर का निकालते लास्ट वाला पहले आ जाता, फिर आपका ई आता, फिर एम आता, फिर आई आता, फिर आर आता, फिर पी आता, तो बस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। इफ स्टैम्पेड एस टी ए एम पी ई डी ई इज कोडेड एज पी ई एस टी ए एम डी ई सो हाउ विल टेम्पर्ड बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि स्टैम्पेड को पी ई एस टी ए एम डी के रूप में कूटबद्ध किया गया तो टेम्पर्ड को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, तो बस एस टी ए एम पी ई डी ई, कोड क्या है पी ई एस टी ए एम डी ई, तो अगर आप समझो तो कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुए, बिल्कुल नहीं, पी ई को उठा के यहां रख दिया, बाकी एस टी ए एम एज इट इज डी ई एज इट इज, समझे? तो सिर्फ ये जो बीच के ये दो लेटर्स हैं इनको उठा के आपने शुरू में रख दिया, तो वही अगर हम टेम्पर्ड की बात करेंगे टी ए एम पी ई आर ई डी, तो बीच के ये दो लेटर्स होते ई और आर, ये उठ के सामने आ जाएंगे, टी ए एम पी एज इट इज रहेगा और ई डी लास्ट में एज इट इज रहेगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी ई आर टी ए एम पी ई आर टी ए एम पी ई डी, यस। तो अब इसमें ना एनिमेशन गलत लगा है, आंसर की अगर हम बात करेंगे ना सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो डू इग्नोर द एनिमेशन, जब आपको पीडीएफ उसका मिलेगा तो उसमें हम इसको करेक्ट कर देंगे, आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट सी द अगला वाला। अब क्या है देखो, इफ मेंशन इज कोडेड एज एम एन ई आई टी एन ओ सो हाउ विल पैटर्न बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि एम ई एन टी आई ओ एन मेंशन को एम एन ई आई टी एन ओ के रूप में कूटबद्ध किया गया तो पैटर्न को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा,
मेंशन, एम ई एन टी आई ओ एन का कोड है एम एन ई आई टी एन ओ। तो अब देखो क्या हुआ, यहां तो जो हमें समझ में आ रहा है एम और एम सेम हो गया, ई और एन क्रॉस हो गया, टी और आई क्रॉस हो गया, ओ एन क्रॉस हो गया। तो वही अगर हम पैटर्न में करें तो पी और पी सेम हो गया, ए और टी क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे ई और टी क्रॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन और आर क्रॉस हो जाएगा। दैट मीन्स पी टी ए ई टी एन आर। तो पी टी ए ई टी एन आर के हिसाब से अगर हम आंसर देखें सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कई बार आंखों के धोखे की वजह से ऑप्शन नंबर बी आप मार्क कर दोगे और हमें पता है अभी भी आपने दिमाग में वही लाया होगा, पर बहुत ध्यान से देखना पी टी ए ई के बाद एन टी आर नहीं है, टी एन आर है, ठीक है। लेट्स सी द अगला वाला। इफ ऑपरेशन इज कोडेड एज ई पी ओ टी ए आर एन ओ आई सो हाउ विल ओ आर पी एस ई सी एस ई एस बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। क्या बोला, ऑपरेशन का कोड ई पी ओ टी ए आर एन ओ आई, तो वॉट विल बी द कोड फॉर ओ आर पी एस ई सी एस ई एस। तो अब देखो समझे, आसान है, ओ ई पी क्रॉस हुआ, आर टी ए क्रॉस हुआ, आई एन ओ क्रॉस हुआ, तो यहां पे भी वही चीज करो तो ये हो जाएगा पी आर ओ, यहां पे भी वही चीज करो तो ये हो जाएगा सी ई एस, यहां पे भी वही तो ये क्या हो जाएगा एस ई एस। दैट मीन्स वर्ड क्या बन गया हमारा, प्रोसेसेस, पी आर ओ सी ई डबल एस ई एस, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो लेट सी द अगला वाला। अब क्या है, सीजनल, एस ई ए एस ओ एन ए एल। अब सीजनल का कोड दिया हुआ है ई डबल एस ए एन ओ एल ए। यदि सीजनल को ई एस एस ए एन ओ एल ए के रूप में कूटबद्ध किया गया, सो हाउ विल सेपरेट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो सेपरेट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, किसको, एस ई पी ए आर ए टी ई। तो अब पता लगाए सर, सीजनल क्या हो रहा है, यहाँ पे सीजनल के साथ क्रॉस हो रहा है, अगेन यस, क्योंकि प्लेस वैल्यूज अगर देखोगे तो प्लस माइनस में बहुत दूर है, क्योंकि ई एस एस ए एन ओ एल ए में वही सारे लेटर्स हैं जो सीजनल में है, है ना। क्रॉस हो रहा है ऐसे, फर्स्ट और सेकेंड का क्रॉस, थर्ड और फोर्थ का क्रॉस, फिफ्थ सिक्स का क्रॉस, सेवेंथ एट्थ का क्रॉस। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे ई एस हो जाएगा, ये ए पी हो जाएगा, ये ए आर हो जाएगा और ये ई टी हो जाएगा। तो ई एस ए पी ए आर ई टी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। लेट सी द अगला वाला। अब क्या है, इफ अर्थ इज कोडेड एज क्यू पी एम जेड एस सो हाउ विल हार्ट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि अर्थ को क्यू पी एम जेड एस के रूप में कूटबद्ध किया गया तो हार्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, सो यस, ई ए आर टी एच का कोड है क्यू पी एम जेड एस। कोड निकालना है हमें किसका, हार्ट का। तो अब अगर पैटर्न देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, प्लेस वैल्यूज तो एज सच नहीं, लेकिन अगर हम ऑपोजिट्स की बात करें तो ऑपोजिट में सिर्फ एक हमें दिख रहा है एच का एस, और तो कहीं ऑपोजिट्स नहीं है। प्लेस वैल्यूज की भी अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो देखो ये ई का 5 है, ए का 1, आर का 18, टी का 20, एच का 8, 17, 16, 13, 26, 19। डिफरेंस भी बहुत गड़बड़ा जा रहा है ना, क्योंकि पहले 12 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 15 का आ रहा है, फिर माइनस में जा रहा है, फिर प्लस में जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दी आप लोगों ने, हार्ट में जो लेटर्स हैं वही लेटर्स तो अर्थ में हैं। देखो एच है, है, ई है, है, ए है, आर है, टी है, दैट मीन्स लेटर्स तो वही सारे हैं।
तो अब अगर लेटर्स वही सारे हैं, तो अगर अर्थ का कोड दिया हुआ है QPMZS, तो हार्ट में अगर हर लेटर की पोजीशन बदल गई तो उसके कोड की भी पोजीशन बदल दें। जैसे H का S आ जाएगा, E का Q आ जाएगा, A का P आ जाएगा, R का M आ जाएगा, T का Z आ जाएगा। कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस के हिसाब से SQPMZ इज द राइट आंसर। ठीक, लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, इफ पोर्टर इज कोडेड एज MBNZQN, सो हाउ विल रिपोर्ट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि पोर्टर को MBNZQN के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो रिपोर्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। सो आई गेस अगेन द सेम थिंग जो भी हमने प्रीवियसली देखी है, मे बी यस, पोर्टर का कोड MBNZQN। तो अब बात करें अगर रिपोर्ट की, तो वही सारे लेटर्स तो है ही, तो क्या करें, एज इट इज वही पिक कर लें, क्योंकि देखो आर भी है, ई भी है, पी भी है, ओ भी है, आर भी है, टी भी है। यस, तो आर का कोड यहां हमें दो बार एन दिख भी रहा है, तो यहां पे भी एन रख दो, यहां पे भी एन रख दो। ई का कोड हमें क्यू दिख रहा है, तो ये हो गया। पी का कोड हमें एम दिख रहा है, तो ये हो गया। ओ का कोड हमें बी दिख रहा है, तो ये आ गया। और टी का कोड जेड है, तो ये आ गया। तो एन क्यू एम बी एन जेड, एन क्यू एम बी एन जेड, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, लेट सी द अगला वाला। इफ कॉन्शियसली इज कोडेड एज PEB NPJEX NKM, सो हाउ विल सॉइल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यदि कॉन्शियसली को PEB NPJEX NKM के रूप में कूटबद्ध किया गया तो सॉइल को कैसे कोड किया जाएगा। तो अगेन द सेम थिंग, वर्ड है हमारा कॉन्शियसली, कोड दिया हुआ है इसका PEB NPJEX NKM। कोड किसका निकालना है हमें, सॉइल का। तो अगर अब आप देखो तो इतने सारे लेटर्स में से हमें चार लेटर चाहिए, और वो चार लेटर जिसमें कि यहाँ पे है हमारे पास, देखो S, तो S का कॉमनली हम यहाँ N ले ले, O, तो O का भी कॉमनली हम E ले ले, I की बात करें तो J, और L की बात करें तो K, दैट मीन्स NEJK, इसी में से पिक किया। सो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्लियर, लेट सी द 15th क्वेश्चन। If parent is coded as BDFGJK, children का कोड है MOXQUFGJ, so how will reprint be written in that language, या reprint को कैसे कोड किया जाएगा, या किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा। So I guess again the same pattern, PARENT कोड हो गया BDFGJK, चिल्ड्रन का कोड है CHILDREN, चिल्ड्रन का कोड है MOXQUFGJ। तो अब यहीं से अगर हम रीप्रिंट का उठा ले, तो हमें चाहिए तो रीप्रिंट का है ना, REPRINT। अब रीप्रिंट का अगर हम कोड देखें, R F F, तो R का F यहाँ भी रख दो, R का F यहाँ भी रख दो। E की बात करें तो E का G। अब P की अगर हम बात करें तो P का B, सो यस, P का B हो गया। फिर I, तो I यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने ले लिया X। अब N हमारा यहाँ पे भी J है, N हमारा यहाँ पे भी J है, तो ये हो गया। T की बात करें तो T का K, सो ये हो गया T का K। That means कोड क्या है, FGB FX JK। बात समझ आई। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि दिमाग में हमारे वही चल रहा होता है कि ऑपोजिट होगा, प्लेस वैल्यू होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्रॉस होगा। पर इस तरीके से भी पिक करके क्वेश्चन के आंसर किए जा सकते हैं। पर हमने आज के सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखे जिसमें कॉमनली नहीं लिया जा रहा था, कुछ तो पैटर्न दोनों तीनों जगह फॉलो हो रहा था, वही फिर हमने आंसर निकालने के लिए किया।
सो होप ये सारे के सारे 15 क्वेश्चंस आपके समझ में आए। एक बार फिर से जरा हमारा फ्री स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल देख लो। 7:30 से 8:30 सुबह के टाइमिंग में बैंक की क्लास होती है, 9 बजे से 10 बजे रात में SSC की क्लास होती है, प्लस कोर्स जो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है 12 बजे से 1 बजे तक उसकी क्लास होती है। नॉन सब्सक्राइबर्स फ्री स्पेशल क्लासेस आराम से अटेंड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी चार्ज, लेकिन अगर वो आगे जाके सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो SMS 10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और जितनी अन अकेडमी की फैसिलिटीज है सबको अवेल कर सकते हैं। मोर ओवर डू लर्न माई स्पेलिंग, क्योंकि इसी स्पेलिंग के थ्रू आपको अन अकेडमी पे हमें फॉलो करना है, क्योंकि अगर फॉलो नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन अपडेट्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बस इतना ही। सेशन पसंद आया है तो लाइक के बटन पे क्लिक करेंगे, शेयर करेंगे इस सेशन को एंड यस वाईफाई स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि इसी तरीके से आप और हम हर दिन कोई ना कोई नया सेशन, कोई ना कोई नए क्वेश्चंस, कई तरीके की सॉल्विंग एफर्ट्स सब जोड़ते रहें। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।